हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेट्स वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। आप किस तरह से लेट्स वीपीएन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन की मदद से आप कैसे अलग अलग कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ही स्लो रहता है तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने इंटरनेट स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको लेट्स वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में A to Z जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाके लेट्स वीपीएन फ्री एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन को आपको देखा 5 मिलियन से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है, जो कि एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा डाउनलोडिंग हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ ऐड आ गए, इस ऐड को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल सिंपल इंटरफेस मिल जाता है। अगर आप डायरेक्ट किसी फास्ट कंट्री के सर्वर से कनेक्ट होना चाहेंगे तो आपको क्लिक मी पे क्लिक करना होगा। क्लिक मी पे क्लिक करने बाद आपको ओके पे क्लिक करने बाद इस एप्लीकेशन द्वारा आपको ऑटोमेटिक किसी भी फास्ट कंट्री के सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप अपने मन से किसी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट होना चाहेंगे तो आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने बाद आपको स्विच रीजन पे क्लिक करना होगा। स्विच रीजन पे क्लिक करने बाद आपको अलग अलग कंट्री का सर्वर मिलता है, आप किसी भी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। ये टोटल सर्वर फ्री मिलता है, आप अपने मन से किसी भी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको किसी एक कंट्री के सर्वर से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ऑटो सेलेक्ट रख लेता हूँ। ऑटो सेलेक्ट रखने के बाद इस एप्लीकेशन द्वारा आपको ऑटोमेटिक किसी भी फास्ट कंट्री के सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक मी पे क्लिक कर देना है। क्लिक मी पे क्लिक करने बाद आपका ये सर्वर कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ ऐड आ गए, इस ऐड को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से VPN कनेक्टेड। इस तरह से आप किसी भी कंट्री के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सर्वर को डिसकनेक्ट करना चाहेंगे तो आपको डिसकनेक्ट पे क्लिक कर देना है। डिसकनेक्ट पे क्लिक करने बाद आइए देख सकते हैं आपका ये सर्वर डिसकनेक्ट हो चुका है। इस तरह से आप लेट्स वीपीएन फ्री एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।